आज ही हमारे घर पे आया है ये नया बर्ड। अरे बाप रे, इसको बहुत जोर भूख लग गया है। और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किए कि रिंग क्यों पहनाया जाता है। ऑलरेडी हमने तो हमारा जो तीन बर्ड था, बेबो, निकी और तुरतुरी यानी पाइनएप्पल जो था, उसका डीएनए करवाने के लिए भेज दिया था और उसका रिपोर्ट भी आ गया है। अरे बाप रे, रुक तो, निकी को बहुत जोर से भूख लग गया है। अरे बाप रे, इसको बहुत जोर भूख लग गया है। निकी को इतना जोर से भूख लग गया है, रुका नहीं जा रहा है। गरम गरम है बाबू, छोरो। और यहाँ पर आ गया है तुड़तुड़ी। अरे बाप रे, उसके पीछे पीछे। चलो अभी बनाने दो। दे दिया। ये तुड़तुड़ी ज्यादातर सिरिंज से दूर भागता रहता है, लेकिन अभी ये चम्मच से बहुत अच्छे से खा रहा है। पता नहीं ये सिरिंज से क्यों दूर भागता है, खाता नहीं है उतना ज्यादा। अभी निकी के साथ साथ ये भी आके कटोरी से। अरे बाप रे, तू तो भीग गया है पूरा, अपने आप को पूरा खाने में डुबा लिया। चलो, तुड़तुड़ी को भी भूख लग गया है। ये लास्ट खाना है रात का। हमने अभी बेबी को तीन बार फीड करते हैं, बेबी जो है, और निकी को भी फीड करते हैं एक टाइम। लास्ट दो दिन से यही कर रहे, इसलिए निकी इतना हैंड फीडिंग को देख के इतना उसको खुशी और लग गई, वो आके इधर से ये खाना स्टार्ट कर दिया है। आज ही हमारे घर पे आया है ये नया बर्ड। हमने जो तुड़तुड़ी का यानी इस छोटे का डीएनए करवाया था, ये हुआ है फीमेल, और इसको ही आज हमने लाए हैं। ये है डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल। निकी आ गया है कैमरे के ऊपर, पकड़ने से पहले मुझे एक दफा काट चुका है, और ये थोड़ा बड़ा है तुड़तुड़ी से, क्योंकि तुड़तुड़ी का एज अभी लगभग 2.5 महीना, और 2.5 महीना नहीं, 50 दिन, और इसका एज लगभग 4 महीना, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमने लिया है। ये डबल रेड फैक्टर है, अगर थोड़ा एज हम ना ले तो इसका डीएनए पता नहीं चलेगा। ये टेम नहीं है, इसलिए थोड़ा ये अभी डर रहा है। नॉर्मल तुड़तुड़ी जो है ये सिंगल रेड फैक्टर है। अगर आप इसका कलर देखेंगे, अरे बाप रे, तो बदमाशी क्यों कर रहा है। इसका कलर जो पेट के नीचे है ये सिंगल है, यहाँ पर कलर रेड नहीं है, खाली नीचे की तरफ है, लेकिन इसका पूरा नीचे की तरफ पूरा रेड है। जस्ट आज ही शाम को हमारे घर पे आया है। इसके बाद हम निकी का भी प्यार लाने की कोशिश करेंगे। ये अभी थोड़ा सा डरा हुआ है, इसको जल्दी जल्दी अभी केज में छोड़ देंगे। प्यार बनाने के लिए मैं हर बार ट्राई करता हूँ, एक टेम अगर हो तो अच्छा हो, और दूसरा जो हो वो वाइल्ड हो, तो अंडे अच्छे से हैच करेगा, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ एक टेम और एक वाइल्ड। बेबो हमने जब लिया था तब हमें कहा गया था कि ये फीमेल है, लेकिन वो बात गलत हो चुका है। डीएनए टेस्ट करवाने के बाद बेबो हो गया है मेल। रिंग इसलिए पहनाया जाता है कि रिंग के अंदर एक आईडी होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए किया पहनाया जाता है, और उसी आईडी को यूज करके डीएनए करने के लिए उसके फेदर यानी बेबो का जो फेदर है, हमने इस जगह से लिया था। शायद इस जगह पर कुछ फेदर आपको नहीं दिखेगा, तो बेबो का तो रिपोर्ट हमें मिल गया है। और रिंग इसलिए पहनाया जाता है कि डीएनए करवाने के लिए अगर एक साथ में बहुत सारा रहे तो मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, प्यार बनाने के लिए, वही उसके लिए ही रिंग पहनाया जाता है। तो बेबो हो गया है मेल, निक्की का भी रिपोर्ट आ गया है, निक्की भी हो चुका है मेल, लेकिन जो तुड़तुड़ी यानी पाइनएप्पल जो हमारा है वो है फीमेल। उसके लिए भी आज हमने एक नया बर्ड हमने लाया है। तुड़तुड़ी जो है ये नॉर्मल सिंगल रेड फैक्टर पाइनएप्पल है, उसके लिए हमने लाया है एक बहुत ही खास
डबल रेड फैक्टर एक मेल। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हर बार मुझे कमेंट करते हैं कि बर्ड कहाँ मिलेगा, कैसे खरीदे, किस तरह से खरीदे। मुझे जितना पता चला है, मुझसे जितना लोगों ने कांटेक्ट किया है, खास करके मैंने देखा है उनमें से ज़्यादातर बच्चे हैं 10 साल से लेके 15 साल तक। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप डिसाइड मत करें, अपने पेरेंट को कहे, माँ बाप से कहे, वो डिसाइड करें। और एक चीज़, ऑनलाइन कभी भी आप किसी से आप बर्ड बाय ना करें, आप अपने लोकल स्टोर में देखें, वहीं पर जाके आपको जो मिले आप वही ले, या उनसे कहे अरेंज करवाने के लिए। आप ऑनलाइन से मत खरीदिए, किसी को पेमेंट ना करें। बहुत सारा ऐसा फ्रॉड हो चुका है, ज़्यादातर मैं जो कमेंट में फ़ोन नंबर दिया जाता है मैं वो कमेंट में रिमूव कर देता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पैम में चला जाता है। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन बाय मत करें किसी से, फिजिकली आप देखें, उनसे बात करें और उनसे ही आप बर्ड बाय करें। बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें पूछे कि कौन सा बर्ड लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी इसके लिए मैं सजेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कितना बजट है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप वही बर्ड लीजिए। अगर बजट कम है तो आप कॉकटेल ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से वो टेम होता है घर में, पने टाइम आप उसके साथ टाइम बिता सकते हैं। लेकिन थोड़ा बजट अगर ज़्यादा है, 3,000 से आपका बजट स्टार्ट है, 5,000, 6,000, 7,000, तो आप ज़रूर कनूर बाय कीजिए। मैं पर्सनली मैं ये रिकमेंड करूँगा, एग्जॉटिक बर्ड आप लीजिए, कोई भी इंडियन स्पीसीज आप ना खरीदे, प्लीज़ आप कनूर वगैरह जो है ये सब बर्ड लीजिए। भले ही ये बात नहीं करता है, लेकिन मैंने निकी को जितना देखा है, ये एलेक्जेंड पैरट से भी 1,000 गुण ज़्यादा फनी है, ज़्यादा एक्टिव है, और बहुत ही अच्छे से ये टेम होता है, ये काटता नहीं है। सबसे ज़रूरी बात जो मैंने देखा है, सन कनूर जो ये अगर टेम हो जाए तो ये कभी भी आपको नहीं काटेगा, आप जितनी बार बुलाएंगे आपके हाथ के ऊपर आके बैठ जाएगा, आप उसके सामने अगर चले जाए तो वो उड़ के आपके सर पर या कंध पर आके बैठ जाएगा। तो मैंने ये ग्रे पैरट में भी, बेबो के साथ भी मैंने यही नहीं देखा है, लेकिन निक्की जो है ये बहुत ही अच्छा टेम होता है। सन कनूर के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि ये लगभग 90% सन कनूर बहुत अच्छे से ये टेम होता है। अगर आप टेम करना चाहे छोटे से, अगर आप उसको हैंड फीडिंग देके बड़े किए हैं, तो ये अदर्स पैरट से भी ज़्यादा ये टेम होता है, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। तो ये है तुड़तुड़ी का पेयर, अगर आप देखें तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। तुड़तुड़ी जो है ये सिंगल रेड फैक्टर है, और उसका जो पेयर है राइट साइड में वो है डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल कनू। फिर आता है इसका कितना प्राइस है, तो हमने इसको लिया है 8,000 रुपीज़ में, थोड़ा सा बड़ा है ये, डीएनए करवाया हुआ, लेकिन ये टेम नहीं है। ज़्यादातर पाइनएप्पल में एक चीज़ खास यही है कि मेल मिलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। अंडे में से ज़्यादातर फीमेल निकलता है, लेकिन सन कनूर में एक बात अलग है कि उसमें मेल ज़्यादा होता है, फीमेल कम होता है। तो हर एक स्पीसीज में अलग अलग डिफरेंट है, किसी का मेल ज़्यादा होता है, किसी का फीमेल ज़्यादा होता है। और कहाँ से हमने लिया है इसको, हमने हमारे एक दोस्त के पास से हमने लिया है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कहाँ से ख़रीदा है, ये लोकल से ही हमने ख़रीदा है। तो ज़्यादातर ये मिल जाता है, लेकिन पाइनएप्पल डबल रेड फैक्टर मेल जो है ये कम मिलता है, फीमेल या नॉर्मल आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, निकी का साइज थोड़ा इन सब में से ज़्यादा है, भले ही वो एक महीना या डेढ़ महीना सबसे बड़ा है, लेकिन सन कनूर जो है वो थोड़ा बड़ा स्पीसीज का है, साइज़ उसका थोड़ा बड़ा होता है, 2 से 3 इंच बड़ा होता है पाइनएप्पल कनूर येलो साइडर या ब्लू येलो साइडर से थोड़ा बड़ा होता है, और थोड़ा सा प्राइस भी थोड़ा महंगा होता है। क्योंकि मैंने जितना देखा है सन कनूर बहुत अच्छा टेम होता है, फ्रेंकली होता है, बहुत प्लेफुल होता है। कुछ दिनों में मैंने जितना देखा है निकी के साथ, मैंने लगभग 2 से 2.5 महीना मैंने बिताया है जब से वो हमारे घर पर आया है। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि इसको लौटा देंगे, या तो अभी फाइनली डिसाइड कर लिया है निकी को हम रखेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो फैमिली है वो बढ़ता जा रहा है।
आगे भी हमें बाकी जो और चार है निकी को लेके उसका भी पेयर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर निकी भी हो गया है डीएनए टेस्ट करवाने के बाद मेल, और पाइनएप्पल जो एकदम लेफ्ट साइड में है तुड़तुड़ी वो है फीमेल। बाकी अभी ब्लू येलो साइडर क्रिम्सन बेली और येलो साइडर का डीएनए तो अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि उसका एज अभी नहीं हुआ है, लगभग 2 मंथ हो जाने के बाद ही हम उसको कराएंगे। अभी फेदर पूरा नहीं आया है। रिंग भी डीएनए करवाने के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए पहनाया जाता है। जो बड़ा यानी महंगा स्पीसीज होता है जैसे कि ग्रे पैरोट या कॉकाटोज या मकाओ, उनको क्लोज रिंग पहनाया जाता है। सन कनूर को भी जो लोग हैंड टेम करते हैं या हैंड फिटिंग करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, वो लोग भी कभी कभार क्लोज रिंग पहना देते हैं, लेकिन जो छोटा कनूर है उनमें बहुत कम देखा जाता है क्लोज रिंग। सब उनके 2 मंथ के बाद ही कट रिंग जो कहा जाता है जिसको, वो कट रिंग ही पहना के डीएनए करवाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें पूछे कि हमें भी चाहिए, कहाँ पर मिलेगा। देखिए अभी चल रहा है लॉकडाउन में, किसी भी तरह से कहीं जगह पर मैं किसी का सेलर का मैं नंबर मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ऑनलाइन से। अगर आप बाई करते हैं तो 70% या 80% फ्रॉड निकलता है, दिखाया जाता है कुछ और। अगर आपको दे भी दिया बर्ड तो दिखाया जाता है कुछ और जब आपको मिलता है तो कुछ और ही मिलता है, यानी कम क्वालिटी, अच्छा नहीं है, इस तरह का मिलता है। ज़्यादातर कनूर जो बर्ड है या कोई भी बर्ड अगर आप लेंगे तो उनमें से क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी, ब्लड लाइन, ये सब ज़्यादा वैरी करता है, इसके लिए प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। नॉर्मली बर्ड, कनूर बर्ड जो है आपको 3,000 से लेके आपको 12,000 तक आपको सिंगल आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पीसीज के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। जैसे ही मैंने पहले कहा आपसे कि पाइनएप्पल कनूर का प्राइस लगभग 3,000 से 5,000 है, लेकिन अगर आप डबल रेट फैक्टर आप अगर लेंगे तो आपको 8,000 या 9,000-10,000 तक भी अच्छा मार्किंग, अच्छा कलर अगर आप मिले तो इस तरह पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्राइस फिक्स नहीं है, हर जगह पर अलग अलग प्राइस है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन कभी भी किसी को ट्रस्ट मत करें, किसी से भी आप ना खरीदें।